देश में नए साल की धूम। पीएम मोदी ने देशवासियों की अच्छी सेहत की कामना की। सिद्धि विनायक में साल की पहली आरती। नया साल 2023 का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर वाराणसी की 80 घाट में सुबह होते ही साल की पहली आरती हुई। ऐतिहासिक स्थलों और टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की काफी भीड़ रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत का उत्साह इतना था कि लोगों में कोरोना का खौफ तक नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ईयर के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा, 2023 आप सभी के लिए आशा, खुशी, अच्छी सेहत और कामयाबी से भरा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश के लोगों और विदेश में रह रहे भारतीयों को नए साल की बधाइयां दी हैं। वाराणसी के घाट पर गंगा आरती देखने के लिए वैसे तो रोज ही भीड़ रहती है, लेकिन नए साल की पहली आरती के दर्शन के लिए लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा रहा। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दरबार में भव्य भस्म आरती के साथ हुई। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए देश भर के श्रद्धालु पहुंचे थे। रविवार को यहां 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर में पुजारियों ने सुबह की आरती की, जिसका सीधा प्रसारण उनकी आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक पेज पर किया गया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में बीते शाम हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अकाल तख्त पर माथा टेका। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।